हेलो दोस्तों, मेरे चैनल लजीज जायका में आपका स्वागत है। आज मैं दही बड़ा बनाने वाला हूँ। यह बहुत ही आसान और जल्दी बनकर तैयार होता है। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसको हम पानी में डालकर 4-5 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे। इसे मैंने 4-5 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ दिया था। अब ये ऐसा दिखेगा। इसे मैं अब साफ पानी से 2-3 बार धो लूँगी। अब इसे मैंने धो लिया। अब इसे मैं पीस लूँगी। अब हम लोग दाल पीस कर इस तरह का फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। इस तरह का फाइन पेस्ट होगा। अब इसको हम लोग एक बर्तन में निकाल लेंगे। ज़्यादा पानी डालकर मत पीसेगा ना, पतला हो जाएगा। अब हम लोग इसको फेंट लेंगे। एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। अब हम लोग चेक कर लेंगे कि मेरा बैटर तैयार है कि नहीं। अब इसको हम लोग पानी में डालेंगे और देखेंगे कि मेरा बैटर, अब मेरा बैटर ऊपर आ गया है, मतलब मेरा बैटर तैयार है। अगर ये ऊपर नहीं आता है तो फिर आप 2-3 बार इसको फेंट लीजिए। अब हम लोग दही वड़ा के लिए दही तैयार कर लेते हैं। दही में चीनी और नमक डालेंगे। अगर आपकी दही ज़्यादा खट्टी है तो थोड़ा ज़्यादा चीनी डालिएगा, कम खट्टी है तो कम डालिएगा। अब हम लोग दही को मिक्सी जार में निकाल लेंगे और इसमें एक चम्मच चीनी, और अपने स्वाद अनुसार नमक डालिएगा। अब इसको हम लोग पीस लेंगे। अब मेरा दही बनकर तैयार हो गया है। इस टाइप का रहेगा। ज़्यादा गाढ़ा मत कीजिएगा और ना ज़्यादा पतला। ज़्यादा गाढ़ा रहेगा तो आपका दही वड़ा नहीं फूलेगा, पतला रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अब हम लोग गैस पे कढ़ाई में तेल डालकर गर्म होने के लिए रख देंगे। अब हम लोग अपने बैटर में थोड़ा सा हींग डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे। याद रखिएगा, हम लोग दही में भी नमक डाले हैं, इसलिए बैटर में कम नमक डालिएगा। अब इसको हम लोग एक बार फेंट लेंगे। अब हम लोग एक हैंकी लेंगे या कोई भी कॉटन कपड़ा ले लेंगे, उसको भिंगा लेंगे। अब इस पर थोड़ा सा ऐसे पानी डाल दीजिएगा, ऐसे छोटा सा उठाइएगा, इस पर रख दीजिएगा और इसको पानी से ऐसे करके इसमें गोला बना दीजिएगा। गोला बनाकर इसको ऐसे लेकर इसमें डाल दीजिएगा और गैस को कम कर दीजिएगा, एकदम मीडियम आंच पर इसको छानिएगा। फॉक यूज करके इसमें छेद कर लेंगे ताकि दही ये अच्छी तरीके से सूख ले। अब हम लोग एक बर्तन में पानी गैस पर रख देंगे गर्म होने के लिए। इसमें अब 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे। थोड़ा देर हल्का गर्म होगा, उसके बाद बंद कर देंगे। अब हम लोग अपने बड़े को इसमें डाल देंगे। अब हम लोग इसको दाब कर पानी निकाल लेंगे और इसको बर्तन में रख देंगे।
अब हम लोग अब दही में इस बड़े को डाल देंगे फूलने के लिए। अब मेरा दहीवाड़ा बनकर तैयार है, अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। इसे मैंने हरी चटनी, इमली की मीठी चटनी, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, सादा नमक और चाट मसाला डालकर सर्व किया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।